डंपिंग ग्राउंड जो इस बार नगर निगम चुनावों में भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है और डंपिंग ग्राउंड को लेकर चंडीगढ़ की स्वच्छता रैंकिंग भी 67वें स्थान पर आई थी। इसको लेकर जैसे ही चंडीगढ़ की नई मेयर सरबजीत कौर बनी तो उन्होंने अपनी पहली विजिट में पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित से मिल उन्हें डंपिंग ग्राउंड में विजिट की अपील कर इस कूड़े के ढेर को जल्द निपटाने की बात कही। कुलदीप, आप इस वार्ड से पार्षद भी हैं, क्या समस्या है आपने बताई गवर्नर साहब? समस्याएं तो बहुत हैं सर, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि डंपिंग ग्राउंड की जो दीवार है उसके साथ ही मेरा घर पे है और उन्हें डंपिंग जो यहाँ से उखाड़ कर मेरे घर के वहाँ पर एक बड़ा पहाड़ बना दिया गया है जिसे बोल रहे हैं कि अभी थोड़े टाइम में उठा लिया जाएगा प्रायोरिटी के उस पर। समस्या है यहाँ पर, जैसे दीवार के नीचे से कई बार वो एक लिस्टर टाइप पानी भी आ जाता है और भी बहुत स्मेल है। लोग यहाँ पर मतलब 90% लोग यहाँ पर दमे से मरीज हैं, चमड़ी के रोग हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं यहाँ पर, जिससे हमने गवर्नर साहब को बताया कि हमें डिस्पेंसरी भी यहाँ पर हमें 24 घंटे चाहिए और एक एम्बुलेंस चाहिए। और गवर्नर साहब ने कुछ कहा है आपको, अफसरों को कोई एडवाइस किया है, लताड़ भी लगाई है? हाँ, गवर्नर साहब ने लताड़ भी लगाई है और प्योरिटी के तौर पर उन्होंने काम करने के लिए बोला है और डिस्पेंसरी को भी अपग्रेड करने के लिए बोला उन्होंने। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आ रही थी डंपिंग ग्राउंड के कारण, काफ़ी बड़ा मुद्दा भी रहा, तो सर क्या कहते हैं कि कब तक ये सॉल्व होना चाहिए, पूरा मैटर कैसे करना चाहिए? उन्होंने भी सभी ऑफिसर को लताड़ लगाई है और बोला है कि प्योरिटी के बेस पे ये काम होना चाहिए। उन्होंने एक नागपुर के उसमें बताया कि वहाँ पर एक चल रहा है जो प्लांट, उसमें ही उसके जो लेके मॉडल लेके यहाँ पर ये सब चीज़ ख़त्म की जाएगी। और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी इसमें मना करा है कि पॉलिटिक्स, हाँ, इसमें सभी को कहा है कि सब ने मिलकर काम करना है, डंपिंग ग्राउंड पे कोई पॉलिटिक्स ना करें बल्कि हम सभी मिलकर एकजुट होकर किस जो एक बहुत बड़ी समस्या है चंडीगढ़ की जिसे ख़त्म करने के लिए सभी एकजुट होकर काम करें। पहले आप गवर्नर से मिले थे, आपने इशू बताया था कि डंपिंग ग्राउंड का बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने उनसे बात की कि डंपिंग ग्राउंड आप देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा पहाड़ बन चुका है यहाँ पे इस टाइम डंपिंग ग्राउंड का, और आउटर की दीवारें भी ऊंची की जा रही हैं, पर आउटर की दीवारें ऊंची करने से जो यहाँ की जो स्मेल की इशू है ये स्मेल भी ख़त्म नहीं की जा सकती, ना ही इससे जो बीमारियाँ हो रही हैं लोगों को ना ही उनको दूर किया जा सकता है। तो हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे मेडिकल ट्रीटमेंट लोगों को मिलना चाहिए, मेडिकल कैंप्स लगाए जाने चाहिए, जो यहाँ से नियर बाय जो एरिया है जैसे सेक्टर 37, सेक्टर 38 है और धनास है और 25 सेक्टर है, जो इसके आसपास एरिया जो लगते हैं जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी रेगुलर बेसिस पर मेडिकल कैंप लगाए जाने चाहिए, ताकि जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं, जो हेल्थ रिलेटेड इशू हो रहे हैं उनको दूर किया जा सके, उनका टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट किया जा सके। देखो, आप सबको पता है कि आम आदमी पार्टी के सारे काउंसलर आए थे यहाँ पर, तो हर बंदे ने जो टीटा जी है यहाँ से, हमारे काउंसलर है आम आदमी पार्टी से, तो उन्होंने लोगों की समस्याएं सुननी शुरू की है, वो घर घर जाके भी समस्याएं सुन रहे हैं और आप खुद देख सकते हो कि डंपिंग ग्राउंड का जो इशू है वो चंडीगढ़ में सबसे बड़ा इशू है। वो अकेले इनके लिए नहीं है, चाहे वो मलोया हो, चाहे आसपास के 25 सेक्टर हो या चंडीगढ़ का कोई भी कोना हो, सबके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका घर है पास में, जैसे बच्चे खाना वगैरह खाते हैं बेड़े में बैठ के, तो यहाँ पर जो पक्षी वगैरह हैं खाना खाते समय भी उनके ऊपर है जो पक्षी है जो यहाँ से गंदी चीज़ें उठा के डाल देते हैं लोगों के बेड़े में, तो सबको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ कोरोना की महामारी से लोग वैसे ही परेशान है, ऊपर से इस डंपिंग ग्राउंड, तो ये कोरोना से भी बड़ी बीमारी है जो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे तो नहीं लगता इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज़ होगी। तो यहाँ पर आज आश्वासन दे के गए हैं कि यहाँ पे कोई भी पार्टीबाजी नहीं होगी, फटकार भी लगा के गए हैं सबको और पूरे कह के कि जितना जल्दी हो सके वो हम क्लियर करके देंगे, आपकी हर प्रॉब्लम सुनेंगे और क्लियर करके जल्दी से जल्दी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।